श्वेता सिंह के साथ आज लॉकडाउन कोड लागू हो गया। हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर नीरज, आइए जानते हैं उनसे लॉकडाउन के बारे में। नीरज जी, श्वेता नीरज, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लॉकडाउन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। आज लॉकडाउन कोड लागू हो गया, इस लॉकडाउन में क्या बदलाव हुए हैं? देखिए श्वेता, कोरोना महामारी के चाइना से फैलने के बाद जी और जब ये पूरे विश्व में जब ये फैला जी, तो इसका प्रभाव आज पूरे विश्व को देखना पड़ रहा है जी। हमारे देश ने भी कोरोना महामारी को झेला है और खेल रहे हैं जी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन 1 चालू किया था, लॉकडाउन 2nd फेज किया, लॉकडाउन 3rd किया और अभी लॉकडाउन 4 चालू किया है उन्होंने जी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 1st फेज में जी उन्होंने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक या 21 दिन का रहा था। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी जी। वहीं दूसरे लॉकडाउन जो 15 अप्रैल से 3 मई तक किया गया, यह लॉकडाउन 3 दिन 19 दिन का रहा था जी। जो रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई थी जी। तीसरी फेज जो 4 मई से 17 मई या 12 दिन का था जी, रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन तो दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बस चलाई गई जी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई। सरकार हर संभव अपना मदद कर रही है प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए जी। नीरज, आज लॉकडाउन से जो गरीब प्रवासी मजदूरों पर गुजर रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी देश जो है बहुत ही विकट और संकट की स्थिति से गुजर रहा है जी। और इसमें हम लोग के देश में 3 टाइप के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास जी। तो जो परेशानियों की जो पूरी तरह से झेलने को मिल रही है वो मजदूर हैं, जरूरतमंद लोग हैं और जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं। लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गया हमारे देश को लॉकडाउन हुए और अब 4th चरण चालू है लॉकडाउन का जी। तो जो गरीब मजदूरों की, जरूरतमंदों की जो है, इन लोगों के लिए भयावह होती जा रही है। इनके लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है, अगर वो कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे कहाँ, उनके परिवार चलेंगे कहाँ? बहुतों को जब दूसरे राज्यों में काम बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गए, तो उन लोग वहाँ से अपने अपने राज्य की ओर कुछ भी किए इस उम्मीद से कि शायद हम अपने घर पहुँच जाए तो फिर काफी हद तक रह सकेंगे, संतुष्ट हो सकेंगे और कुछ न कुछ खाना मिल सकेगा, वहीं पे कुछ रोजगार कर सकेंगे। एक और सरकार जो है इन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में या फिर रास्ते में समाज सेवी द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं भी मिलने की बात सामने आई है, दिक्कतें हुई है, लेकिन सरकार भी अपने तरफ से पहल कर रही है, समाज सेवी भी अपने तरफ से पहल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति देखने को मिल रही है या गुजर रही है तो वो मजदूरों के साथ है, जरूरतमंदों के साथ है। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन से क्या फायदा और क्या नुकसान है आपकी नजर में? देखिए श्रोता, ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी, जो कोरोना वायरस है जी, ये वायरस आपके मतलब कि छूने से जी, हाथ में आने से, टच करने से, ये अदृश्य वायरस है जो कि दिखता नहीं है जी, और आप टच होने से, सांस के माध्यम से आपको ये समस्या है कि इसका टीका नहीं है इसका टीका नहीं है और हमारे वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं इसके टीके को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कुछ चरण में सफलता की बात सामने आई है पर अभी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, मतलब अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन एक बात है कि जो आप जो कह रहे थे कि लॉकडाउन में क्या मतलब फायदा या नुकसान है, तो आपको बता दें कि मोदी जी ने जब तुरंत कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन किया था तो उस वक्त का स्थिति, और आप विदेशों में भी देखिए कि लॉकडाउन जो देश ने नहीं किया था वहाँ की जो तादाद है संक्रमण की या मृत्यु की वो बहुत ज्यादा है। आज हमारे यहाँ भी आंकड़ा थोड़ा 3rd फेज आते आते जो थोड़ा सा ढिलाई हुआ जिस कारण से आंकड़ा बढ़ा है, दर भी बढ़ी है जी। तो ये कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि सरकार द्वारा अचानक लॉकडाउन करने से जो और विकराल स्थिति होती उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा है, लेकिन अभी की जो स्थिति है संक्रमण बढ़ रहा है, लोग उसके चपेट में आ रहे हैं जी।
जी इस महामारी से हर कोई को त्रस्त है ही, लेकिन इस लॉकडाउन में भी अपराध चरम पर है। जी ये खास बात है, आपने बहुत सही सवाल किया है। खास बात ये है कि यहाँ इस कोरोना महामारी के चलते पूरा समाज, पूरा विश्व, देश और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमा, सारे लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमण लोगों को बचाने में जुटने में, उन्हें पहुंचाने में, उनके लिए पाबंदियां करने में, लोग बाहर न निकले, उनके रोकथाम में लगी हुई है। और एक तरह से कहें तो कि सारा का सारा सिस्टम जो है पूरी तरह से कोरोना वायरस से रिलेटेड मामलों में लगी हुई है, जिससे कि किसी भी तरह से देश को बचाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। लेकिन वही दूसरी ओर एक तबका ये भी है जो इस सब चीज से इसको कोई मतलब नहीं है, वो अपराधी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी थोड़ा सा बढ़ भी गया अपराध की घटना, मर्डर है, ये है, नेता बिहार में बहुत ज्यादा हो रही है। जी बिहार में घटना बढ़ी है, इधर लगातार बढ़ी है, और अपराधी जो है जो कुछ लॉकडाउन वन लॉकडाउन टू में डरे थे, शायद उनकी डर खत्म हो गई है और वो लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर रहा है राज्य के लिए भी और पुलिस महकमा के लिए भी। जी नीरज, लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब 4 लागू हो गया, ये मतलब चारों फेज में अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए आपको इसके पहले मैंने चारों फेज के बदलाव बताए थे, मैं चौथा का बता देता हूँ कि भारत में जो अभी 14 लॉकडाउन को जारी किया गया है, ये 14 फेज है जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 21 मई को खत्म होगा। करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जेजबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की, पूरे देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया। जी मैं वही बता रहा हूँ कि गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है, हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रखने की बात कही गई है, मेट्रो पे पाबंदी रहेगी, इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, मेट्रो नहीं चलेगी, विमान सेवाएं बंद रहेगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, मॉल थिएटर होटल में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, वही सरकारी दफ्तर खुलेंगे, बिना दर्शक वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे।